मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे को हाथ नहीं लगा सकती थी, तब मैं गुस्से में था, मजा आ गया मूवी देख के। लेकिन एंडिंग में मुझे समझ नहीं आया बेटे ने बाप को क्यों मारा है, एक मेरा डाउट है वो। उसका सेक्सीनेस दिखाने के लिए डायरेक्टर ने बोला कि चलो जानवी कपूर फ्री है, तो थोड़ा तू इंस्टा के रील्स पे अगर सेक्सीनेस बता रही है तो इधर आके दिखा दे, मेरी पिक्चर में हो जाएगा तेरा लव एंगल। श्रीदेवी की बेटी है तो काम मिल जाता है। कोई तो बहुत ज्यादा रिग्रेट करेगा जी, किसी की झगड़ा हुई थी पहले। उस बंदी के अंदर पोटेंशियल है, आने वाले टाइम की एक लंबी रेस की घोड़ी है। पार्ट टू बनाने की जरूरत ही नहीं है, पार्ट वन में स्टोरी खत्म कर सकते थे। सैफ अली खान एज ए विलन बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, पहले का भी उनका काम है जो विलन का है वो बहुत अच्छा करते वो। एक तो उनके बाल छोटे फिर उनके बाल लंबे, ऐसा लगा कि उन्होंने तेरे नाम देख ली। उनको थोड़ी अच्छी मूवी डाइजेस्ट हो नहीं पाती, उनको चाहिए सिर्फ स्त्री टू जैसी मूवी। आपके फैंस लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। एनटीआर फैंस एंजॉय, दिस इज योर डे। तो जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान और जानवी कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म देवरा रिलीज हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ गेटी गैलेक्सी लोगों से पूछने के लिए कि उन्हें ये फिल्म कैसी लग रही है। चलिए देखते हैं क्या कहना है गेटी की पब्लिक का, लेट्स गो। तो भाई देवरा देखी आपने, कैसी लगी आपको देवरा पार्ट वन? पिछले हफ्ते मैंने आपको पता है युद्रा का रिव्यू दिया था। युद्रा में ना इतना खाली था, ये जगह इतनी खाली थी कि किसी की शादी हो सकती थी, मंडप बन सकता था गेटी गैलेक्सी पे। और अभी इतनी अच्छी खासी मतलब पब्लिक दिख रही है हिंदी सर्किट में कि पैर रखने जगह नहीं थी। तो मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा है और जूनियर एनटीआर का जो स्क्रीन प्रेजेंट है ना, जिस तरह की उनकी एंट्री है, जो पानी में से तैरते हुए एकदम उड़ के आते हैं, जो पीछे पानी आता है ना, एक तो बाहर इतना पानी है आज और मूवी में भी इतना पानी है, तो देख के मज़ा आ गया, लाइक एक्वामैन की तरह वो बाहर आए। देवरा मतलब वन टाइम वॉच है, एनटीआर के फैंस हो, सैफ अली खान के फैंस हो तो जाओ देखने, अदरवाइज आप सोचोगे कि एनटीआर 6 साल बाद आ रहा है स्क्रीन पे तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्रिपल आर कैसा दिखाएगा, तो वैसा तो नहीं है। मैं एनटीआर के लिए गया था मूवी देखने और आया एज अ फैन ऑफ कोराटला सिवा का फैन, और एनटीआर का तो हूँ पहले से फैन, मतलब कि मैं ऐसे ना एनटीआर की आँखें, मैं उसके एक्शन से डायलॉग से ज़्यादा मैं उसकी आँखों पे फोकस कर रहा हूँ। इसकी जो आँखें ना मतलब उसकी इतनी मस्त है, उसकी आँखें ऐसा लगता है उनको आँखें ना सीनियर एनटीआर जैसे एकदम सेम वाइब्स दे रहे अपने दादा जैसे, मतलब क्या एक्टिंग की है जूनियर एनटीआर, हमेशा की तरह हमेशा एक अलग रोल में आते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब टोटली मज़ा आ गया। बहुत अच्छा लगा है देवरा मूवी, एकदम मस्त मूवी है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक मस्त है, लेकिन बीच बीच के जो सीन है एक्शन मूवी के वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एंडिंग में मुझे समझ नहीं आया बेटे ने बाप को क्यों मारा है, एक मेरा डाउट है वो समझ नहीं आया। मूवी एकदम खतरनाक है। देवरा मूवी बहुत अच्छी है और मैंने देखा एक्शन सीन्स तो बहुत ही फाड़ू बनाए और डायरेक्टर ने भी सीन्स सारे बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किए तो अच्छी लगी बहुत। हाँ तो यार मूवी में मज़ा आ गया, फर्स्ट हाफ में तो भाई पूरा एकदम अपने आप को मैंने इतना भान के रखा था कि मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे को हाथ नहीं लगा सकती थी, इतना मैं गुस्से में था, मज़ा आ गया मूवी देख के। जानवी कपूर भी इस फिल्म में, तो वो कैसी लग रही थी? देखो जानवी कपूर को ना लोग क्रिटिसाइज करते कि मतलब उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, श्रीदेवी की बेटी है तो काम मिल जाता है, आप उसकी जगह पर किसी और को भी रखोगे ना तो वो उतना ही काम करेगी जितना काम डायरेक्टर ने दिया है उसको, तो उसने अपना काम अच्छा किया यार, उसको मतलब क्रिटिसाइज करना बंद करो। उस बंदी के अंदर पोटेंशियल है, आने वाले टाइम की एक लंबी रेस की घोड़ी है, घोड़ा नहीं बोलूँगा लेडी है, क्योंकि जानवी कपूर यार मज़ा है, उनको जब भी स्क्रीन पर आती है ना देखकर मुझे मज़ा आता है। किस चीज़ का मज़ा यार? सादगी का मज़ा, किस चीज़ का मज़ा रहेगा, मतलब वो वाला मलिका शरावत नहीं थी वो कि मतलब उनको देख के मज़ा आएगा। जानवी कपूर जब भी स्क्रीन पर, उनका स्क्रीन प्रेजेंट जब भी हुआ है ना, देखकर मज़ा आया मेरे को। तो स्टोरी है ना बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है कि जो एवरी फ्राइडे मूवी देखते हैं ना वो तो ऐसे प्रेडिक्टेबल है कि अभी यही होने वाला है इसके सीन के बाद, और इंटरवल के बाद स्टोरी बहुत मार खा जाती है, उल्टा जितना और डेवलप होना चाहिए था इंटरवल के बाद उतना तो वो लोग ने गिरा दिया पिक्चर को। तो यार क्लाइमैक्स भी मेरे को ठीक ही लगा कि भाई वो पार्ट टू अगर आप बता रहे हो तो क्लाइमैक्स में दम रहना चाहिए जो KGF 1 में था या पुष्पा में है, तो वैसा मेरे को दम नहीं लगा कि पार्ट टू बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, पार्ट वन में स्टोरी ख़त्म कर सकते थे, पर अभी फिर क्या मालूम डायरेक्टर की राइटिंग में दम हो तो सेकंड पार्ट इससे अच्छा निकल सकता है जैसे सालार है, तो अभी देखते क्या होता है। बाकी एक्शन ज़बरदस्त है। अगर जूनियर NTR वर्सेस सैफ अली खान करेंगे तो आप किसे वोट करोगे? इसके अपना NTR को ही करूँगा। सैफ अली खान की एक्टिंग पसंद नहीं है आपको? बहुत अच्छी है लेकिन इसकी तो बात अलग है। हाँ जूनियर NTR ही, एक्शन बहुत अच्छा किया है। सैफ अली खान कैसे लग रहे थे? सैफ अली खान एज ए विलन बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं,
पहले का भी उनका काम है जो विलन का है वो बहुत अच्छा करते वो, तो एक्टिंग रेंज तो उनकी अच्छी है, तो वो उन्होंने अच्छा काम किया। तारक राम राव। सैफ अली खान, देखो रावण किस में आए थे वो अभी, मतलब एक मूवी में आए थे ना यार वो, और आई थी आदि पुरुष आई थी, उसके बाद और भी मतलब साउथ की मूवीज में नजर आए, बहुत सी मतलब मूवीज में नजर आए वो। उसके बाद उनका कैरेक्टराइजेशन उस तरह निकल के नहीं आया इस मूवी में, एक तो उनके बाल छोटे फिर उनके बाल लंबे, ऐसा लगा कि उन्होंने तेरे नाम देख ली, पहले बाल उनके लंबे फिर उसके बाद उन्होंने बाल छोटे करा लिए। कैरेक्टराइजेशन उनका भी सही है, अदरवाइज मूवी अच्छी आप देख सकते हो, क्योंकि हिंदी सर्किट में ऑडियंस को ना थोड़ा, ऑडियंस पागल है, उनको थोड़ी अच्छी मूवी डाइजेस्ट हो नहीं पाती, उनको चाहिए सिर्फ स्त्री टू जैसी मूवी जो अच्छी नहीं होती फिर भी चल जाती है। अदर श्रद्धा कपूर अच्छी है उसमें यार, नो डाउट, मेरा क्रश है वो बचपन का, लेकिन ऐसी मूवीज़ को भी सपोर्ट करो। और साउथ के डायरेक्टर जिनका नाम है कोतराला शिवा, उन्होंने मूवी डायरेक्ट की है, उनका जो ट्रेलर रहता है ना हमेशा, आप उनकी पहले की मूवीज उठा के देखो ना, ट्रेलर में उनका कुछ नहीं रहता, जो भी रहता है उनका मूवी में रहता है, तो वो मूवी में नज़र आया और पार्ट टू के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। उसमें तो कोई डाउट नहीं भाई, जूनियर एनटीआर भारी पड़ता है, पर एक दो सीन है, एक दो एक्शन सीक्वेंस में सैफ अली खान भारी पड़ता है, पर जो वो दोनों का सबसे ज़बरदस्त फेस ऑफ फर्स्ट हाफ में है वो जो शस्त्र पूजा वाला जो सीन है उसमें जो फाइट करते हैं वो ज़बरदस्त है यार। जानवी कपूर फिल्म में कैसी लग रही थी? जानवी कपूर को सिर्फ उसका सेक्सीनेस दिखाने के लिए डायरेक्टर ने बोला कि चलो जानवी कपूर फ्री है, थोड़ा तू इंस्टा के रील्स पे अगर सेक्सीनेस बता रही है तो इधर आके दिखा दे, मेरी पिक्चर में हो जाएगा तेरा लव एंगल, तो पब्लिक देखो थोड़ा सा बोलेगी। और कैसे, और कुछ खास रोल नहीं उसका, आपको कुछ पसंद नहीं है जानवी कपूर का? इंटरेस्ट नहीं मुझे, कोई और हीरोइन को भी ले सकते थे, जानवी का पैसा बच जाता है डायरेक्टर लोग का। फिल्म की कहानी कैसी लगी आपको? मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, स्टोरी रिवील नहीं करता ना, स्पॉइलर दे दूंगा कि जिसे स्टार्ट किया डायरेक्टर ने लाल समुंदर, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ लगा इसमें, और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि एनडीआर को जिस तरह से दिखाया ना डायरेक्टर ने, और डायरेक्टर ने जिस तरह अपना कमबैक किया कोराटला शिवा ने, मतलब मैं सोचा था क्या ऐसे फ्लॉप हो गई थी इसके बाद, संभव कोई तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेगा जिस किसी की झगड़ा हुई थी पहले। और मैं एनडीआर को एक चीज़ ज़रूर कहूँगा सर, आपके फैंस लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ, एनडीआर फैंस एंजॉय, दिस इज योर डे। और अगर बात करें जानवी कपूर की तो वो कैसी लग रही थी? एकदम उसमें उसकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, और उसने उसके जो रोल किया है वो भी बहुत अच्छा है, बस इतना ही। जानवी कपूर तो मेरी फेवरेट। की कहानी कैसी लगी आपको? कहानी एकदम मस्त है, लेकिन एंड तक और कुछ चाहिए, इस पार्ट टू आना चाहिए, क्योंकि अधूरी लग रही है कहानी अभी। जानवी कपूर कैसी लग रही थी फिल्म में? जानवी कपूर तो अच्छी लग रही थी। जानवी कपूर लग रहा था कि उसको उनको फिल्म में लेना चाहिए था? पहले तो नहीं लगा था कि क्यों ऐसा है, बट अच्छी एक्टिंग की है थी। स्टोरी कैसी लगी फिल्म की आपको? स्टोरी तो अच्छी थी, बस बाद में तो ट्विस्ट आया था वो सबसे अच्छा लगा था। किस टाइप का ट्विस्ट, आपको कुछ बताना चाहोगे? जब पता चला कि लाइक कि देवरा नहीं रहा और उसका जो बेटा है वो सब चीज़ें कर रहा था, वो ट्विस्ट बहुत अच्छा लगा। फिल्म को 5 में कितना स्टार दोगे? स्टार देने से पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, साउथ वाले ना अंधेरा को ज़्यादा कर रहे हैं आजकल अपनी मूवी में, कि मतलब स्क्रीन पे अंधेरा है और दूसरा थिएटर में अंधेरा है, तो कपल्स का बहुत फ़ायदा है इसके अंदर यार, कपल्स इतना फ़ायदा उठा रहे हैं। इंटरवल के बाद मैं अपनी गर्लफ्रेंड को चेक कर रहा हूँ कोई और थी, तो अंधेरा थोड़ा कम करो आप लोग, अगर अंधेरा थोड़ा कम करोगे ना तो पिक्चर और अच्छे से समझ में आएगी, डायरेक्शन आपका और अच्छे समझ में आएगा, स्टोरी आपकी और अच्छी समझ में आएगी। और बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात कर, शाहरुख खान जवान के बस अपना बाप बेटे वाला कैरेक्टराइजेशन हर मूवी में ला रहे, लेकिन जूनियर एनटीआर हेड्स ऑफ है आपको, मज़ा आ गया आपकी मूवी देखकर। अभी मैं बैंसन पे जाने वाला अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, गाना गाने आपने जो गाया था ना एकदम, वो गाना समझ भी नहीं आया लेकिन डांस करूँगा मैं उसके ऊपर साथ में। और रेटिंग की बात करूँ तो 5 out of 5 ले लो, और हिंदी ऑडियंस तो है ही पागल। और एक्चुअली अभी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट आएगी, इसमें 140 crore का प्रेडिक्शन बता रहा है, ये और भी ज़्यादा जा सकते हैं। मुझे इस बात पिक्चर का जो स्टार्टिंग में बोले थे सबसे बेस्ट सीन वो एक था, स्वॉर्ड मारता है और जब मून को सर्कल बनाता है ना मून पे ऊपर, क्या सीन बना, क्या डायरेक्टर के विजुअल्स कितना अच्छा था, मतलब उसने विजन सोच लिया, इतना अच्छा लगा मुझे। एंड वो एक और सीन जो शार्क वाला सीन था ना, माय गॉड, उसको लेके जो पानी हो जाता, मतलब किसी ने आज तक सोचा नहीं ऐसा इंडियन फिल्म इंडियन इंडस्ट्री में। मैं एनडीआर के लिए आया था, जाऊँगा भी है, और सेकंड पार्ट के लिए बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, इतना सस्पेंस बना दिया कि आप जान चुके क्या है सस्पेंस, वॉट इज़ द सस्पेंस। मैं चाहता पार्ट टू आया मूवी ना 1000 crore कमाएगी।
आई गारंटी। फिल्म को 5 में से कितना स्टार दोगे? मैं 3 स्टार्स। 5 में से 4 स्टार, क्योंकि 5 में से 4 क्योंकि एंडिंग में थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ बस इसके लिए। 5 में से 4.5। अच्छा, तो फिल्म को 5 में से कितना स्टार दोगे आप? मैं 5 में से 5 दूंगा। आपने देखा कि गेटी की पब्लिक ने तो फिल्म को एकदम काफी ज्यादा मिक्स रिस्पांस दिए है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाओ देवरा देखो और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये फिल्म कैसी लग रही है। सो होप यू गाइस लाइक द वीडियो। सो होप यू गाइस लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।